टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद आखिरकार क्रिकेट प्रेमियों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिला और क्रिकेट प्रेमियों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको भी दिखाते हैं। बता दें कि लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने जीत दर्ज कराई है और ऐसे में पूरे देश में खुशी का माहौल है। सभी लोग, देशवासी और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है। वहीं दूसरी ओर जनपद के क्रिकेट प्रेमियों ने भी टी20 वर्ल्ड कप विजेता भारत की टीम को कोटि-कोटि नमन और सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। क्रिकेट प्रेमियों ने यहां तक कहा कि भारत जैसी टीम पूरे वर्ल्ड में नहीं है। लगातार दूसरी बार भारत ने टी20 वर्ल्ड कप की जीत की ट्रॉफी पर कब्जा किया है, यह कोई सामान्य बात नहीं है। क्रिकेट प्रेमियों ने भारत द्वारा जीते गए टी20 वर्ल्ड कप को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, यह जरा आप भी सुनिए। टीम इंडिया ने वो खुशी जो बहुत दिनों से बहुप्रतीक्षित थी, वो खुशी पूरे देशवासियों को दी है। इसके लिए पूरी टीम इंडिया और उनके जो भी टीम के साथ उनके मेंटोर थे, जो भी उसके कोच थे, वो सभी बधाई के हकदार हैं और ऐसी बधाई उनको पूरे देशवासियों ने दी है। खुद प्रधानमंत्री ने भी उनसे बात की है और अलग अलग, चाहे वो हमारे देश के अभिनेता हों, राजनेता हों, जनता हो, सभी ने इस अतुलनीय कार्य के लिए पूरी की पूरी टीम इंडिया को बधाई दी है। और ये ऐसा शुभ अवसर 2011 के बाद दूसरी बार कोई भी ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमारे पास आया है कि हम जिसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी मना सकते हैं। ICC इवेंट्स में 2007, उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी और 2011 के बाद से हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। कई बार ऐसे मौके भी आए और वो मौक़ों पे हमारी टीम सफल नहीं हो पाई, लोगों ने हमारे ऊपर चोकर्स का तमगा लगाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार पूरी की पूरी टीम एकजुट थी, एक जान थी और उसी का फ़ायदा मिला कि हमारे युवाओं का और जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे, उन्होंने पूरे के पूरे भरकस प्रयास किए। उस सामूहिक प्रयास का ये नतीजा था कि एक रोमांचक मैच के अंदर, एक बहुत ही क्लोज मैच के अंदर टीम इंडिया ने बता दिया और उन्होंने अपना मेंटल शो किया और ये भारत की उभरती हुई ताकत का नतीजा है। क्या लगता है आपको, आपकी नज़र में ये जो जीत हुई है इसका सबसे ज़्यादा श्रेय किस खिलाड़ी को जाना चाहिए? सबसे जो बता रहे हैं कि एक कैच लिया गया था या कुछ रन ऐसे बनाए गए थे, किसको देना चाहेंगे? टीम जो वर्ल्ड कप जीती है, ये वर्ल्ड कप केवल एक मैच से नहीं जीता जाता है। ये टीम यहाँ तक पहुँचने के लिए इससे पहले आगे लगभग 7 मैच ऑलरेडी हुए थे। उन 7 मैच के अंदर कई बार ऐसे मौके थे कि अगर वो एक भी मैच हार जाते तो टीम इंडिया यहाँ तक पहुँचती नहीं। तो ये सामूहिक प्रयास का नतीजा है। किसी ने कैच लेके, सूर्यकुमार यादव के कैच को भी कहा जा सकता है, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को कहा जा सकता है, कोहली जो पिछले 7 मैचों में मात्र 75 रन जिन्होंने बनाए थे, जिनके ऊपर एक ऐसा तमगा लग रहा था कि विराट कोहली कुछ प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ये टीम में रहने के हकदार नहीं है, बहुत सारे, लेकिन हमको सोचना चाहिए कि विराट कोहली एक दिग्गज हैं। वो अब सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, उस एलीट के खिलाड़ी हैं और ये बात उन्होंने कल के फाइनल मैच में जब सबसे ज़्यादा टीम इंडिया को उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने शो की कि हाँ क्या होता एक बड़ा खिलाड़ी क्या होता। तो ये एक सामूहिक प्रयास था। इसके अंदर हमें राहुल द्रविड़ के योगदान को, कोच के योगदान को, जो उनके फिटनेस सलाहकार होते हैं, जो उनके अलग से कोच होते हैं, सहायक कोच होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और इसके साथ साथ जो पूरे देशवासियों ने उनको चीयर किया, जो स्टेडियम में थे, जो यहाँ पे दुआएं कर रहे थे, इन सभी का, ये पूरे देश की जीत है, पूरे देश की सामूहिक जीत है और पूरी की पूरी टीम इंडिया इसके लिए बधाई की पात्र है।